मैं बगैर किसी तमकीद के आपके इस मुशायरे का बाकायदा तौर पर आगाज करना चाहता हूँ। उस तकाजे बड़े कमजोर हुआ करते हैं, वरना आसान है किरदार संभाले रखना। उस तकाजे बड़े कमजोर हुआ करते हैं, वरना आसान है किरदार संभाले रखना। मैं कबीले की हिफाजत का वचन देता हूँ, मेरे पीछे मेरा घर बार संभाले रखना। मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ से गजल के मुशायरे का आगाज किया जाए, वो गजल कि जिसे अहमद फराज ने कभी कहा था कि सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है दिन में उसे तितलियाँ सताती हैं, सुना है रात में जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से भूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। गजल के इस रंग और इस आहंग से बात करने के लिए आइए आज हम अपने मुशायरे के पहले शायर के तौर पर एक ऐसे शायर को आपके दरमियान पेश कर दें कि मुझे मैं अपने आज के इस मुशायरे के आगाज से कब हमारे आज की जो देरीना रिवायत है वो ये है कि हम अपने सदर मोहतरम जो आज की सदारत मोहतरम जौहर कानपुरी साहब कर रहे हैं, मैं उनसे आज के इस मुशायरे के आगाज के लिए पहले उनसे इजाज़त तलब करता हूँ। सर जी को जहनीति नहीं है, मैं मुशायरे का शायर हूँ, कोई किसी देश मैं मुशायरे का सदर हूँ तो किसी देश का सदर नहीं जो खामोश बैठा रहा। देखिए ये महफिलें कभी कभी जब तक मैं बोलूं तब तक सिर्फ आप खामोशी से सुने, ठीक है बेटा? मैं बोलने के पैसे लेता हूँ, आपको क्या मिले आप सुने। और ये जो दो चार कुर्सियाँ खाली हैं इस पर बैठ या शोर शराबा बिल्कुल मत कीजिएगा, तहजीब जो है उसको मरहूज रखें। ये अदबी इदारा है, पहले तो आपको ये बता दूँ कि ये जो मुशायरा है ये कोई ऐसा वैसा कोई स्टेज नहीं है, ये अदबी इदारा है। यहाँ तहजीबें सिखाई जाती हैं और तहजीबें सीखी जाती हैं, तो यहाँ पर बैठने के कुछ आदाब होते हैं, शायरी सुनने के आदाब होते हैं, गुफ्तगू सुनने के आदाब होते हैं, इस चीज़ को आपको समझना होगा। जीते रहिए। ये देखिए ये बोला, ये बता दिया इसने कि मैं शुजात गंज का ही हूँ, मैं कहीं और का नहीं हूँ। एक बात ये बताऊँ मुशायरा शुरू करने से पहले कि साबिर फरीदी साहब का सबसे पहले तो एक चीज़ ये बता दूँ कि ये जो अभी आप मजमा देख रहे हैं ये बहुत अच्छा है, मुशायरा सुनना चाहता है, लेकिन शोरा इकराम से एक गुजारिश ये करूँगा कि पहले अपनी गजल के सिर्फ 5 शेर सुनाए और उसके बाद ये पहला दौर ख़त्म हो जाए, फिर दूसरे दौर में जितना जी चाहे और जितना लोग सुनना चाहे आप सुना सकते हैं, लेकिन पहला दौर ऐसा कीजिए कि सब लोगों को ये लोग सुन लें, ऐसा ना हो कि चंद लोगों को सुनने के बाद लोग अपने घर चले जाएँ अपनी मसरूफियत के बिना। दूसरी बात ये कि आज साबिर फरीदी साहब की किताब का इजरा हुआ, ये किसी शायर के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत खुशी का दिन होता है, इससे ज़्यादा खुशी का कोई दिन नहीं होता। पूरी जिंदगी जो इस शायर ने मेहनत की, अपना खून पसीना एक किया, आज उसके सिरे का दिन, तो वो किताबी शक्ल में उनका कलाम मंजर-ए-आम पर आया। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सन 2008 में मेरी जब किताब आई थी, मुझे आज तक याद है, इजरा उसका हुआ था भुसावल में। मुशायरा बेटा अभी इधर आप लोग बातचीत ना करें, गौर से सुन लें, 2 मिनट के बाद सिर्फ 2 मिनट आपसे लूंगा, तीसरा मिनट नहीं है, लेकिन बहुत गौर से सुन लें। ए बेटा गुड्डू, ए गुड्डू, ये दादा ऑटो चक्कर मत रहा इधर। इन्होंने पूरी जिंदगी किसी को चैन से रहने दिया, तू चैन। तो मैं ये कह रहा था कि 2008 में जब मेरी किताब का इजरा हुआ भुसावल में, तो एक साहब वहां पर मेहमान खुसूसी थे, जैसे आज के मेहमान खुसूसी हमारे इमरान डॉक्टर इमरान साहब हैं, सरफराज साहब हैं और भी दीगर हजरात हैं, तिवारी जी हैं, फरकान भाई हैं, उनमें से एक साहब ने मेरी एक किताब 11,000 रुपये की खरीदी थी उसी वक्त। वो 11,000 रुपये मेरी जिंदगी का सहारा नहीं बने,
मुझे आज तक वो फायदा नहीं पहुंचा रहे, लेकिन वो 11,000 रुपए की जो किताब थी, जो उसकी खुशी हासिल हुई थी, वो आज तक मेरे साथ है और मेरे साथ पूरी जिंदगी वो खुशी का एहसास रहेगा। तो ये जो 1100 रुपए या 11,000 रुपए है, ये कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन एक शायर का हौसला बढ़ता है इससे। इसके लिए मुझे वो एहसास हुआ, तो उसके बाद से मैंने ये सिलसिला शुरू किया कि मैं किताब खरीद के पढ़ना मैंने शुरू किया। इसके गवाह हैं डॉक्टर इकबाल साहब कि मैंने किताबें खरीदी हैं और कीमत से कहीं ज़्यादा कीमत पर किताबें खरीदी हैं और शायर को पैसा उसका पहुँचाया डॉक्टर इकबाल साहब के हाथ। आज मैं डॉक्टर मोहतरम साबिर फरीदी साहब की इस किताब की कीमत नहीं अदा कर सकता, मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन हदीये के तौर पर मैं इनकी इस किताब को आज 5,100 रुपए की खरीदना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा कि ये किताब मुझे पेश की जाए, ये किताब मुझे अभी इसी वक्त पेश की जाए, मैं आपसे गुजारिश करूँगा। और आप सदर हजरात से एक बात ये अर्ज करूँगा कि आप लोग इस बात का एहसास कीजिए। बहुत शुक्रिया, एक बार तालियां बजाकर तरह से सरकार आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जरूरी नहीं है कि 5,100 की किताब खरीदे यहां बैठे लोग, 11,000 की भी खरीद सकते हैं, 1100 की भी खरीद सकते हैं, 500 की भी खरीद सकते हैं। अगर 300 रुपए इसका हदिया है तो 150 की भी खरीद सकते हैं। जिनको पढ़ने का शौक है उनको किताब आधी कीमत में भी मिलनी चाहिए और किसी के ऊपर कोई बार नहीं है। इतनी सी गुजारिश थी कि कोशिश कीजिए कि किताबें खरीद के पढ़ना सीखिए ताकि शायरों का हौसला बढ़े और किताबें छपती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया।